जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित विकास योजनाओं में खास करके पंचायत के माध्यम से संचालित योजनाओं में अनियमितता की खबर आए दिन सामने आती रहती है। हालांकि बड़े पैमाने पर मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने एक टीम गठित कर योजनाओं की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। योजनाओं के अंतर्गत बनी सड़क की जांच अब शुरू हो चुकी है और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सिमरी बख्तियारपुर एएसडीएम अश्विनी कुमार ने सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के बनमाइटरी प्रखंड के घोरदोर पंचायत के योजनाओं अंतर्गत बनी सड़क की जांच की गई। जांच के उपरांत भारी अनियमितता पाई गई। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत में कुल 96 योजनाओं में से 46 योजनाओं का कार्य अपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं की जाँच की जा रही है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज वार्ड नंबर जिलाधिकारी के विशेष आदेश से वार्ड नंबर 9 और 10 की योजना का एक मानक अनुरूप योजना हुआ है या नहीं उसके लिए आज एक आदेश निकला था। तो हम जांच में गए तो मात्र 2 योजना थी जो पूर्ण हुई थी और उसका एमपी हुआ था, सिर्फ उसी योजना का हम जांच किए। एक था योजना वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 10 अंतर्गत मुख्य सड़क से विनोद शर्मा के घर तक एक मिट्टी सोलिंग और पेवर ब्लॉक पे, तो उसमें पेवर ब्लॉक लगा हुआ है जो जितना एमपी का किया है लगभग नहीं है, कितना कम ज्यादा है वो अभी हम रिपोर्ट बनवा रहे हैं, 2 घंटे में हम कैलकुलेट करके रिपोर्ट बता देंगे। और दूसरा एक योजना था उसी वार्ड में मुख्य सड़क से गंगा शर्मा के घर तक, उसमें भी पेवर ब्लॉक लगाया है, वो भी उसका ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी वैसी अनियमितता नहीं पाई गई है, लेकिन हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं जो प्लस माइनस होगा 1 घंटे में कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे कि जितना का कितना का एमपी किया है और एक्चुअल वर्क कितना कम हुआ है। यही 2 योजना की जांच के, बाकी योजनाओं की हम जांच नहीं किए क्योंकि वो अभी पूर्ण ही नहीं हुआ है, तो जब पूर्ण हो जाएगा तब उसकी जांच होगी।